वेरी वेरी गुड आफ्टरनून. आज का हमारा सेशन थोड़ा सा हटके है, नथिंग टू डू विद स्टडीज बट योर इंटरव्यू स्किल्स. सो हम डिस्कस करेंगे हाउ आर यू सपोज टू बी प्रिपेयरिंग फॉर योर इंटरव्यूज. फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ग्रूमिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रूमिंग इज समथिंग दैट हैज टू बी इम्पेकेबल. योर मेकअप टू योर टाई टू योर शूज टू योर शर्ट टू योर आयरन क्लोथ्स, एवरीथिंग हैज टू बी प्रॉपर. सेकेंड इज योर एटीट्यूड, हाउ यू कैरिंग योर सेल्फ. थर्ड इज योर बॉडी लैंग्वेज. बॉडी लैंग्वेज में आपकी स्माइल है, बॉडी लैंग्वेज में आपका सिटिंग पोस्चर है, बॉडी लैंग्वेज में आपके हैंड मूवमेंट्स है, योर टचिंग योर हेयर, टचिंग योर आईज, टचिंग योर नोज, सो ऑल ऑफ दिस इज ऑब्जर्व. अदर देन दैट ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स, नो डाउट अबाउट इट, कि आप कितना अच्छा बोल सकते हो. इंग्लिश बींग वन कॉमन लैंग्वेज में वी स्पीक यूनिवर्सल, आपको ये लैंग्वेज आनी बहुत जरूरी है. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें कोई दो राय नहीं है. यू हैव टू नो दिस लैंग्वेज. सो इफ यू डोंट नो दिस लैंग्वेज एंड इफ योर प्रोनाउंसिएशन इज वीक, प्लीज वर्क ऑन इट. नोबडी इज परफेक्ट, नोबडी हैज अचीव्ड व्हाटएवर परफेक्शन इन लाइक ओवरनाइट. बहुत प्रैक्टिस की है, हम सब ने की है, आपको भी करनी पड़ेगी. सो इफ यू वॉन्ट टू क्रैक अ गुड इंटरव्यू, यू हैव टू वर्क ऑन योर कम्युनिकेशन स्किल्स, दैट इज अ मस्ट. ठीक है, अब जाते हैं हमारे पर्सनल इंट्रोडक्शन पे. जब आप पहली बार एचआर को मिलते हो, बिटवीन लॉट ऑफ पीपल, द फर्स्ट थिंग दैट यू गोइंग टू आस्क यू व्हेन दे मेक यू सिट इन अ ग्रुप ऑफ 10 और 12 पीपल इज प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू अस, एंड यू हैव टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू देम. आपके बारे में बताना होता है, आपको आप क्या करते हो, कौन सी स्कूल में जाते हो, क्या पढ़ रहे हो, आपने हॉस्पिटैलिटी क्यों चुना है, आप इस पे एस्पायर क्या करते हो बनने का, व्हाट इज योर मोटो ऑफ लाइफ, व्हाट यू वॉन्ट टू बी और व्हाट यू बिलीव इन, ऑल ऑफ दिस अबाउट यू, ये आपको डिस्कस करना होता है. सो दिस राउंड इज द बिगेस्ट सीविंग राउंड, जहाँ पे मैक्सिमम बच्चे निकाले जाते हैं. तो यहाँ पे क्या चेक होता है, आपका कम्युनिकेशन, एंड द एच आर इज नॉट गोइंग टू वेस्ट टू मच टाइम ऑन यू इन डिसाइडिंग वेदर यू शुड बी इन और आउट. तो यहाँ पे व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज दैट अगर आप इन हो, विच मीन्स दे गिविंग यू द नेक्स्ट चांस, विच इज अ ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन में दे विल अगेन पुट यू इन अ ग्रुप ऑफ सिक्स एंड सेवन्स एंड दे विल गिव यू अ टॉपिक टू डिस्कस. यहाँ पे यू शुड बी वेल रेड, यू शुड बी एबल टू टॉक, यू शुड बी एबल टू पुट योर पॉइंट अक्रॉस विद योर बॉडी लैंग्वेज, विद द स्माइल ऑन द फेस, ऑल ऑफ दिस इज नोटिस्ड. दिस ऑल्सो इज वन ऑफ द राउंड वेयर पीपल आर थ्रोन आउट. इसके अलावा द नेक्स्ट राउंड इज एन एक्सटेम्पो राउंड और अ जैम सेशन. एक टॉपिक दिया जाता है या एक वर्ड दिया जाता है एंड दे आस्क यू टू स्पीक फॉर अ मिनट. यू शुड बी एबल टू डू दिस. वॉट इज दिस? दिस इज सिचुएशन हैंडलिंग. हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में इतने सिचुएशंस होते हैं एवरी सिंगल डे. इट्स ऑल अबाउट हाउ यू गोना डील विद इट. सो इट कैन बी अ चॉकलेट, इट कैन बी अ बॉक्स, इट कैन बी अ लिपस्टिक, इट कैन बी अ फुटबॉल, इट कैन बी एनीथिंग. आपको एक मिनट के लिए इस टॉपिक पे बात करना आना चाहिए. हाउ यू ग्रैब योर थॉट, यू हैव टू बी वेरी क्रिएटिव एंड हैव टू बी वेरी गुड. अगेन कम्युनिकेशन बीइंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया इन दिस. ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेशन होता है हमारा टेक्निकल राउंड. टेक्निकल राउंड इफ वी आर लुकिंग एट एन इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू, इंडस्ट्री ट्रेनिंग पॉइंट ऑफ व्यू, आपको सारे डिपार्टमेंट्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बिकॉज यू आर द फर्स्ट ईयर्स. सो डोंट बी हैसल्ड अगर आपको पूछा है, अरे मुझे तो यही चाहिए था बट वो भी पूछा. प्लीज अंडरस्टैंड इट्स जस्ट द ट्रेनिंग ग्राउंड फॉर यू एंड दे हैव द राइट टू आस्क यू क्वेश्चंस फ्रॉम ऑल द डिपार्टमेंट्स. सो यू हैव टू बी प्रिपेयर. नेक्स्ट इज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट योर फाइनल प्लेसमेंट्स, देन इट विल बी डिपार्टमेंट स्पेसिफिक, क्योंकि टेक्निकल राउंड में डिपार्टमेंट हेड बैठेगा आपका इंटरव्यू लेने के लिए. इट विल बी अ F&B डायरेक्टर और इट्स गोइंग टू बी अ शेफ और इट्स गोइंग टू बी फ्रंट ऑफिस मैनेजर और अ हाउसकीपिंग एग्जीक्यूटिव. और वो अपने डिपार्टमेंट के हिसाब से आपको सवाल पूछेगी. टेक्निकली यू हैव टू बी साउंड, दैट इज इट. दे विल आस्क यू 10 क्वेश्चंस, इवन इफ आउट ऑफ 10 यू कुड ओनली गेट 8 राइट, इट्स फाइन. बट व्हेन यू डोंट नो, तुक्का मत, डोंट थ्रो एरोज इन द एयर, इट विल नॉट हिट. Very politely, in a calm manner, please tell them, my sincere apologies, I am not aware of this answer. However, I will get back to you on this if I can. And move on to the next, okay? So, very properly deny if you cannot answer. The next, of course, once you get through the technical round, is the round where you probably have a personal round with a general manager to understand that, ye इतने चैनल्स थ्रू बच्चा मेरे पास आया है, इज दैट चाइल्ड वर्थ कीपिंग इन द होटल, बिकॉज ही इज लुकिंग फ्रॉम द बिगर परस्पेक्टिव नाउ, ही इज लुकिंग फ्रॉम द होटल इमेज पॉइंट ऑफ व्यू. बहुत सारे बच्चे इस राउंड में भी निकल जाते हैं बट नेवरदीलेस इट्स अबाउट इम्प्रूविंग. तो ये राउंड्स हुए हमारे इंडस्ट्री के.
In JW Merits, I know for sure there's a psychometric test as well. So once you clear all the rounds and you meet up with everybody, आपके ईमेल अकाउंट पे एक साइकोमेट्रिक टेस्ट आएगा और आपको वो क्लियर करना होता है. इफ यू डोंट क्लियर दिस, यू डोंट गेट द जॉब. इज दैट सिंपल एज दैट. तो प्लीज अंडरस्टैंड दैट इन सब के पीछे जो भी है, आपके अवेयरनेस, आपका नॉलेज, आपकी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज, आपकी पॉजिटिव एटीट्यूड, सब रिफ्लेक्ट करता है. तो वेन यू आर अपियरिंग फॉर एन इंटरव्यू, प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर सेल्फ, प्लीज स्टार्ट वर्किंग ऑन योर कम्युनिकेशन, क्योंकि दिस इज ऑल दैट इट मैटर्स. ऑलराइट, कोई दोस्त नहीं है, प्लीज स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड स्पीक टू योर सेल्फ. गिव योर सेल्फ टॉपिक्स, गिव योर सेल्फ दैट कॉन्फिडेंस दैट येस आई कैन स्पीक, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आता है आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है. इन द नेक्स्ट वीडियो व्हाट आई एम गोना डिस्कस इज आई डिस्कस ऑल द मैनेजमेंट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स दैट वी हैव इन इंडिया एंड हाउ यू शुड अप्रोच टूवर्ड्स इट. कैसे आप क्रैक कर सकते हो, मैं गारंटी तो नहीं दे सकती लेकिन मैं मदद जरूर करूंगी. तो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस. कीप वॉचिंग. Let me know in case you have any queries about the interview rounds and I'll be more than glad to help you. Until then, keep your conversations on, keep learning and all the best. Take care for now. Bye-bye.